our lovely initiatives. It's very, very overwhelming that we made this today. You know, one day I read in Times of India that there are these three widows who've lost their husbands in manual scavenging, and there was a small baby. I saw that one widow with a small child, and I told my daughter, find the addresses, we are going to meet them. And that is how we went finding the addresses. We went to Kurla slums, we went to Chembur slums, and I said, enough is enough. Under RTI, when I had asked in my PIL, BMC said there are no manual scavengers. Then I said, how are these widows? And then when I researched, I found that no compensation had ever been given to them. So that was the time we thought that we are going to the High Court and going to get them compensation and going to set a precedent pan-India. And that is why we launched this website, because after we got the compensation of 10 lakh for each widow, there were calls from Kerala, there were calls from Bihar, far-flung places where widows said, we have not even got 5 rupees till now. We don't have money to put our children to school. We don't have money to cook our foods. So then we launched this website so that they can connect with us and we can ensure that everybody gets a benefit of the law and the court judgment of Supreme Court. Okay, Jeep, Amaji is a powerhouse in herself. कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास आवाज़ जी के लिए तो जो भी बोलूँगा वो कम ही लगेगा बट ईशा यहाँ पे नहीं है जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है आज की तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि आप सब आज की वेबसाइट पे जाएं इसके बारे में पढ़ें और समझें और मेरा जो काम है फिल्में बनाना है कहानियाँ बोलना है और उसमें हीरोज़ भी होते हैं हीरोइन भी होते हैं बट मेरी रियल लाइफ हीरो और हीरोइन मेरे साथ बैठे हैं इनको जब भी मिलता हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि बहुत बहुत बड़ी हैं मैंने आज आपके ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये इनका आशीर्वाद हो तो आज पे जो पहले 3 केस हैं उस पर फिल्म बनाने की अनुमति बिल्कुल 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 चलो ये आपने कैमरे पे बोल दिया नहीं बिल्कुल थैंक यू इट विल बी अ प्लेजर मतलब जो है शुरू करते हैं ये जर्नी हाँ बिल्कुल मतलब हमारे भी यहाँ सिर्फ कमर्शियल काम ही होते हैं जो नॉन कमर्शियल होते हैं वो भी मुश्किल होते हैं शुरू करते हैं ख़त्म करें देखिए मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है मैं कहूँगी इनकी आज जो मेरा इनवाइट भी था स्टोरी पे उस पर रंग दे बसंती की ही म्यूज़िक चल रही थी तो राकेश जी की तो पूरी दुनिया कायल है कि जो स्ट्रांग पैशनेट पिक्चर्स ये बनाते हैं तो जो अगर ये इसमें बनाएंगे और ये जो ईविल है सोसाइटी में इसको अगर समाप्त करने में इनकी फिल्म और कामयाब ज़रूर होगी और लोगों को पता चलेगा तो अगर आपके बगल में भी कहीं पर कोई होल साफ कर रहा होगा सेप्टिक टैंक तो आप रोकेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते ये गैरकानूनी है तो आपकी पिक्चर आने के बाद मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो नहीं कर पाया वो राकेश जी की पिक्चर करेगी और मैनुअल स्कैवेंजिंग इस देश से समाप्त होगी थैंक यू आई'd लाइक टू से व्हाट आई सेड अर्लियर दैट व्हेन नो वन इज रेडी टू टच अ केस व्हेन जस्टिस इज नॉट गिवन टू द अनसंग टू द अन people who don't have a voice. We need more lawyers, more attorneys like Abha Singh, who stand up for the people who are voiceless. For me, it's very, you know, what Isha said earlier is very important, कि जब justice, जब courts में आप देखते हैं, तो केवल अमीर लोग, बहुत पहुँचे हुए लोगों को justice मिलती है. क्यों ना हम उन लोगों को justice ज़्यादा स्ट्रेंथ से दिलाएं जिनको हु डोंट हैव द रीच फॉर यू नो एक्सपेंसिव लॉयर्स वी नीड मोर लॉयर्स वी नीड मोर जस्टिस फॉर पीपल हु एक्चुअली डोंट हैव एक्सेस टू लॉ बिकॉज लॉ इज वेरी एक्सपेंसिव इन दिस कंट्री एम आई राइट वेरी ट्रू या वेरी राइट लॉ इज वेरी एक्सपेंसिव एंड लॉट ऑफ टाइम आई एम हियर टुडे जस्ट टू सपोर्ट द फैक्ट दैट इफ वी हैव टू बी गेम चेंजर्स इन अ वर्ल्ड सिनेरियो इन अ ग्लोबल सिनेरियो वी नीड टू work from the grassroots level we need to work for those people who don't have a voice and that is the most important thing in this country currently
primary judges. मैं बिनाइफर कोहली हूँ. मैं भाभी जी घर पे है, लीड सीरियल प्रोड्यूस करती हूँ. आई लाइक आबा जी, आई वांट टू से समथिंग अबाउट शो. आबा जी, कैन यू प्लीज जॉइन? शी इज बीइंग कॉल्ड अवे. से व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट हर दैट मैटर. डजंट मैटर, दे विल पुट कट अवे ऑफ हर. डोंट वरी, शी इज बिजी. ओके, सो आज जो सफाई कर्मचारियों की वाइफ्स आए थे, उन्होंने आभा जी को बुकेज दिए. वो बुकेज नहीं, वो आभा जी की छाती पे एक मेडल था, 1, 2, 3, 4. उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके लिए. मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि जिनके इरादे बुलंद हो, जिनके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो और जिनकी बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात उनके साथ चलती है. तो ये आभा जी के केस में जितनी लेडीज़ इधर, निशा जी है, दूसरी जितनी लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो, अनिल जी है सपोर्ट करने, राकेश जी थे, संग्राम जी थे, ये जितने लोग यहाँ पे थे और दूसरे लोग. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हो, लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास एजुकेशन हो, हम एक दूसरे का सहारा बने, हमारे इरादे बुलंद हो, इरादे नेक हो और बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी. थैंक यू. बेस्ट ऑफ द यू टर्न. एक ज़रूर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से. उन्होंने जिक्र किया व्हील चेयर्स के ऊपर. आज भी जितना भी काम व्हील चेयर्स पर हुआ है, कहीं ना कहीं इन व्हील चेयर्स को फ्लाइट्स में खदियों लग रही इतनी, आज भी प्रॉब्लम है. कुछ ऐसे और इंडिया एक ही देश है जहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, रैंप्स, आप मानेंगे नहीं, हॉस्पिटलों में भी रैंप्स नहीं है. तो लॉयर्स को, कोर्ट्स को, ऐसी जो इग्नोर्ड बातें हैं उनको और देखना चाहिए. और आज का जो मंच है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बातों को सामने लाने के लिए, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी की बात हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू राइटली सेड. Great. Thank you. Thank you. आप नहीं आते हैं? नहीं, आज से ही काम करते हैं. ये तो हटा दो. हाँ हाँ. Okay. While you always voice to the right, you always stand to the right. So does Sagram ji. That's so beautiful. आज का जो आपका, you know, the way you spoke and what you spoke was really really fantastic. What do you have to say about Abba ji's initiative? Should I say? Yes. Okay. I have to ask him. Because we have done a deal that we won't cut each other. So I don't have knife. So the whole thing is, मुझे लगता है life में, इस जिंदगी में, we all need to be very accountable. Accountable because हम सबको ऊपर जाना है. We all have to settle our scores here. तो accountability life में बहुत ज़रूरी है. अच्छे कर्म करना ज़रूरी है. And अगर negligence है तो कोई भी क्षेत्र में अगर आप negligence को देखते हो या you come across that, you have to voice your opinion for it. ये जो manual scavenging का जो issue discuss किया गया, ये मैं पहली बार सुना और आई वॉज सो मूव्ड. बिकॉज ये लोग अपनी फैमिली के लिए, 1,000 रुपये के लिए, दे डू समथिंग विच इज़ सो डेंजरस एंड दे लूज लाइफ इन द प्रोसेस एंड देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी. इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो जाती है एंड नो बडी इज़ देयर टू सपोर्ट द फैमिलीज जिनके हस्बेंड्स के साथ ये होता है. सो समवेयर दिस रेजोनेट्स विद माई नेचर एंड मैं ज़िंदगी में भी ऐसी हूँ. एंड आप सब ने शायद मेरा थोड़ा बहुत झलक देखा होगा हाल में एक कैप्टिव रियलिटी शो के अंदर. एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसी जगह पर आती हूँ और संग्राम जी को भी लेके आती हूँ, बिकॉज इसके बाद गाड़ी में बैठ के जब मैं जाऊँगी तो मैं संग्राम जी को बोलूँगी, देखा मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं, आई एम नॉट द ओनली वन. एंड आई एम जस्ट थैंकफुल दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो एंडेवर एंड सपोर्ट आभा जी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी ethical lady and that is something I really respect. Sangram, what you would like to say? वाकई देखिए, जो आभा जी से मैं मिला पहली बार हूँ, मैंने बात किया है कई 3-4 बार, तो वाकई ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत एक इनका मतलब ये सबकी मदद करते हैं एक जिस हिसाब से हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमें और पर्सन की ज़रूरत है जो आभा जी जैसे पर्सन हो. मैं जानता हूँ कि कानून में काफ़ी कमियाँ हैं, मैं खुद पुलिस का पार्ट रहा हूँ, कई साल मैंने पुलिस में जॉब की है, मगर वो भी क्या करें कि दिक्कत क्या है कि कानून में बहुत ढेर सारी खामियां हैं, ढेर सारी कमियां हैं जो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा. कहते हैं ना कि मेरा देश में
मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो फिर जाके होगा ना। तो मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो काम करूँ जो यूथ के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है। जैसे इवन मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऐड तब छोड़ा कई करोड़ों का जब मेरे अकाउंट में 1000 रुपये होते थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। अगर मान लो मैं अगर एक बच्चा ही मुझे फॉलो करता है तो मैं उसको जहर पिला रहा हूँ। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हैं हमारे हर फील्ड से हैं जिनके पास 1000 करोड़ हैं, वो गुटखा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वो करते, तो गलत है। जाना कहाँ, जाना तो वही जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी चीज़ कुछ सेट करनी चाहिए कि ताकि लेगेसी छूटे, यूथ उससे प्रेरणा ले, आगे बढ़े। और मैं कह रहा हूँ कि हमें आबाजी जैसे और इंसानों की, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ कि भैया खुश रहो, खुशियाँ दो, और कुछ ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली अब जो भी पायल केस होंगे तो पायल मुझे परेशान नहीं करेगी, आबाजी को फ़ोन कर लेगी, क्योंकि पायल के नहीं। बिकॉज लाइफ में कभी कभार क्या होता है, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए केसेस कर दिए जाते हैं। एंड हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस समाज में हैं, अभी भी एक मेंटालिटी है आपको एक रोकूं कि केस अगर आप पे हुआ तो आप गलत हो। देखो मैं एक दूसरा कहूँगा कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो, नेता का मतलब होता ताने, नेता का मतलब होता ताने नेता, बाप बेटे का नहीं होता यार आपका हमारा काम होगा। तो कहीं भी पॉलिटिकल चक्रों में मत पड़ो, अपने देश के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, आगे बढ़ते रहो बस। तो एक होता है कि जैसे सूजी बहन आ रही थी यहाँ पर एंड गूगल ने उनको रास्ता घुमाया, उसी तरीके से गूगल ने एक मुझे घुमाया और मेरे पे एक केस हो गया। और दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं वी नीड अकाउंटेबिलिटी, देर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, मगर संग्राम जी आज बहुत सारी इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मिले होंगे जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं एंड आभा जी उनको सपोर्ट कर रही हैं। सो आई एम ग्लैड कि आज के बाद संग्राम जी मेरा ये जो एक्टिविज्म वाला जो है ना साइड, उसको सपोर्ट ज़्यादा दिल से करेंगे। जी बिल्कुल दिल से करूंगा, मगर फालतू पंगा नहीं लेना कानून में रह के। मैं कभी साल 23 में शुरू हो चुका है, क्या कुछ नया आपने सोचा है, कुछ सरप्राइजेस देंगे सभी कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप सबको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं। बस लीगली सरप्राइज नहीं है, वैसे अच्छे सरप्राइज मिलेंगे। व्हाइल आर यू थिंकिंग फॉर एनी ऑफ द शो Let's see, because I really want to do work as an artist also now, because what has happened is somewhere you know I एक कुछ होता है कॉर्ड अगर कट ऑफ हो जाए तो कट ऑफ हो जाए, और जैसे द पॉलिटिकल जोन इज़ नॉट इन माय दिस थिंग राइट नाउ, द एक्टिविज्म जोन इज देयर, बट आई थिंक आई एम बेटर ऑफ एज एन आर्टिस्ट, सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे। सो बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? वैसे मैं बिग बॉस काफ़ी फेमस शो है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मगर ये दुनिया बिग बॉस की तरह ही है। मैं सबको जितने भी उसमें हैं, पहले मैं सोच रहा था कि साजिद जीतेंगे, वो छोटू थे वो जीतेंगे, हाँ अब्दुल जीतेंगे, तो मैं ऐसे पढ़ता रहता था। अब जितने भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप के मे द बेस्ट पर्सन विन। यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू।